सो एज ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द हिंदू लॉ, ठीक है. और एज वी ऑल पीपल नो दैट हिंदू लॉ के चार पार्ट्स रहेंगे, दैट इज द मैरिज एक्ट, देयर आफ्टर सक्सेशन, सक्सेशन के बाद देयर विल बी द गार्डियनशिप एंड लास्ट विल बी द एडॉप्शन, ठीक है. तो ये चार सब्जेक्ट्स का एक कोरिलेशन यहाँ पे रहेगा. स्पेसिफिकली वी विल बी ओनली एग्जाम ओरिएंटेड एज फार एज द एडी एग्जाम्स आर कंसर्न. और किस किस एरिया से किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पहले आप थोड़ा सा वो आइडिया ले लो. जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, इसमें से जो हमारे एडीए के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने की जहां से पॉसिबिलिटीज होती है, एक तो आपका सेक्शन नंबर 5, दैट इज व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ लॉफुल मैरिज. कंडीशंस फॉर लॉफुल मैरिज. इसके बाद आपका रहेगा, इट विल बी सेक्शन नंबर 10 एंड 11. सेक्शन नंबर 10 एंड 11 एंड 12. सेक्शन 10, 11, 12 में जो प्रिंसिपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे, सेक्शन नंबर 10 का एक कोरिलेशन जो है वो सेक्शन नंबर 13 के साथ पढ़ा जाएगा, दैट इज द जुडिशियल सेपरेशन एंड द डाइवोर्स. जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स. अब जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स को लेके वी हैव टू डिस्कस मल्टीपल जजमेंट्स, ठीक है. कुछ एक इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जिनके बेसिस पे इट इज डेफिनेटली क्लियर बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट क्रुएलिटी, डेजर्शन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एटसेट्रा, ये जितने भी इश्यूज हैं इनके बेसिस पे डाइवोर्स मिलेगा या जुडिशियल सेपरेशन मिलेगा. बट विल बी द अप्रोच ऑफ द कोर्ट. और इसके साथ साथ जिस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में, तो सेक्शन नंबर 10 और 13 की जब हम कोरिलेशन करेंगे, तो एट द सेम टाइम विल डू सेक्शन नंबर 23 ऑल्सो, ठीक है. सेक्शन 23 का कोरिलेशन है इनके साथ कि किन केसेस में आपको रिलीफ मिलेगा और किन केसेस में आपको रिलीफ नहीं मिल सकता है. तो एक तो ये, इसके बाद देर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन नंबर 11 एंड 12 के अंदर वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस. वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस यहां से भी हमें एक इम्पॉर्टेंट एरिया जो है वो कवर करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन नंबर 12 के साथ जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो देर विल बी सेक्शन नंबर 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. कुछ एक क्लॉजेस पे लेके इंडियन एविडेंस एक्ट की एप्लीकेशन भी देखनी है, ठीक है. सेक्शन नंबर 12 से हम इसको रिलेट करेंगे थोड़ा सा, दैट इज द लेजिटिमेसी के ग्राउंड्स जहां पे आएंगे वहां पे. सेक्शन नंबर 12 के साथ एक पॉइंट पे 112 इंडियन एविडेंस एक्ट का भी साथ में चलेगा, ठीक है. तो ये आपका मतलब इंपॉर्टेंट एरिया है. इसके बाद एक लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी नहीं होगा, इट विल बी इन द लास्ट क्लास जब हमारा पूरा हिंदू लॉ खत्म हो जाएगा आफ्टर आई बिलीव 10 to 11 days. तो वहां पे मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदू मैरिज एक्ट का आपका सेक्शन नंबर 24 एंड 25, ठीक है, दोनों के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है. इसके साथ साथ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 18 और हमारे सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 125. तो ये तीन सेक्शंस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है. हिंदू लॉ तो हमारा मतलब अभी तो जैसे हम मैरिज एक्ट करने वाले हैं तो ये सब कुछ कवर करेंगे. After this, I will take you people to the Hindu Succession Act. Succession के अंदर जो जो हमने डिस्कस करना है आप उसको लिख लो. एक तो हमारा नोशनल पार्टीशन का क्या कॉन्सेप्ट है, नोशनल पार्टीशन. इसके साथ साथ ये नोशनल पार्टीशन हमारा सेक्शन नंबर 6 के अंदर हम कवर कर लेंगे. देयर आफ्टर द रूल्स ऑफ सक्सेशन, रूल्स ऑफ सक्सेशन जिसमें हमारा सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 9 हम लोग कवर करेंगे. देयर आफ्टर द राइट्स ऑफ फीमेल्स सेक्शन नंबर 14 एंड 15 के साथ डिस्कस हो जाएगा. इसके साथ साथ एक हमारा प्रीएम्पशन का प्रिंसिपल है, रूल ऑफ प्रीएम्पशन, PREEMPTION, प्रीएम्पशन, सेक्शन नंबर 22 ये डिस्कस करेंगे. ये सक्सेशन का हमारा ये एरिया रहेगा, सेक्शन नंबर 6, 8 एंड 9, 14, 15 एंड सेक्शन नंबर 22, इनको मार्क कर लीजिए.
Thereafter, when we go to the adoption and Hindu Adoption Act, so adoption ke andar there will be the requisites of valid adoption. ठीक है, अब requisites of valid adoption में basically हमारा section number 5 से लेके approximately section number 14 तक का area जो है cover होता है, section 5 से लेके 14 तक, Hindu Adoption and Maintenance Act, Hindu Adoption and Maintenance Act, 5 से 14 यहाँ पे cover हो जाएगा. और इसके साथ साथ एक हमारा एरिया रहेगा सेक्शन नंबर 18, 19 एंड 20. ठीक है, इसको भी लिख लो. इसमें हमारा मेंटेनेंस की बात है, मेंटेनेंस टू वाइफ, मेंटेनेंस टू डॉटर इन लॉ एटसेट्रा. ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, फादर मदर एटसेट्रा 18, 19 और 20 में कवर होगा. द लास्ट वन विल बी जो हमारा सबसे छोटा लॉ रहेगा, दैट विल बी द गार्डियनशिप एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट. तो माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में बेसिकली एक सेक्शन है, जैसे सेक्शन नंबर 5, इसको आप स्टार लगा लो, यहां से क्वेश्चन आते हैं. और दूसरा आपका नेचुरल गार्डियंस का क्या कॉन्सेप्ट है. ठीक है, नेचुरल गार्डियंस, नेचुरल गार्डियन जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो समहाउ वेरेक्ट रीडिंग ही है कि बाकी जो गार्डियंस होते हैं, जैसे कि डी फैक्टो गार्डियन क्या है, डी फैक्टो गार्डियन व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट. इसके साथ एक गार्डियन कहा जाता है, दैट इज द टेस्टामेंट्री, टेस्टामेंट्री गार्डियंस. ये तो हमारा गार्डियनशिप एंड माइनॉरिटी वाला जो लॉ है उसमें ये प्रिंसिपल्स हमें डिस्कस करने. इसमें जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है वो सेक्शन नंबर 5 से ज्यादा होती है. अदरवाइज जो बाकी एरियाज है वहां पे एडीए के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इतने कुछ मटेरियल क्वेश्चंस नहीं है. बट apart from if you are going for the judicial services, then definitely every law, every provision is important. ठीक, is it clear ना क्या क्या area cover कर रहा है. और यहीं पे जब maintenance की बात मैं आपके साथ Hindu Adoption and Maintenance Act के अंदर जब maintenance की बात हम करेंगे section number 18 के अंदर, तो वहीं पे Hindu Marriage Act का maintenance जो होता है section number 25, 26 के अंदर जो principles हैं plus section number 125 CRPC. इनका कोरिलेशन हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे कि सारी प्रोसीडिंग्स क्या इंडिपेंडेंट हैं या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या सिविल सूट्स कैसे चल सकते हैं अलोंग विद द क्रिमिनल काउंटरपार्ट, द क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जिसको हम कहते हैं 125 CRPC के अंदर. तो वो लास्ट की क्लास में हमारा एरिया रहेगा. दिस इज स्पेसिफिकली फॉर योर थ्योरेटिकल अप्रोच एज वेल एज योर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स आल्सो. ये सारा डिस्कस करेंगे. अप्रोक्सीमेटली As far as this Hindu law is concerned, we used to take 14 to 15 lectures. ठीक है, 14 से 15 classes हमारी रहती हैं. आप लोगों के point of view से देखा जाए तो थोड़ी सी शायद 2 या 3 classes कम रहेगी. ठीक है, क्योंकि इसमें area थोड़ा सा हमारा restricted है. चलिए, we are going to start with the Hindu Marriage Act. Firstly, Hindu Marriage Act. देखो, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली तीन तरह से मैरिजेस के कॉन्सेप्ट को देखा जा रहा है. नंबर वन इज अ वैलिड मैरिज, द नेक्स्ट वन इज वॉइड मैरिज, एंड थर्ड वन इज वॉइडेबल मैरिज. थ्री कॉन्सेप्ट, ठीक है, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल. एंड एज वी हैव रिसेंटली कंक्लूडेड द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये चीजें तो समझी है कि void और voidable का concept क्या है. तो void means which is altogether a nullity and voidable means which is at the option of one party. Simple, उसी principle को यहाँ पे हम adopt करते हैं. देखो, section number 5 हमें ये बताता है that what are the requisites for a valid marriage. एक valid marriage की requirement क्या है? अगर वो रिक्वायरमेंट्स मीटअप ना हो तो आइदर द मैरिज विल बी वॉइड और इट विल बी वॉइडेबल. ठीक है, तो वो कौन से केसेस में वॉइड बनेगी, कौन से केसेस में वॉइडेबल बनेगी, वो तो जब हम सेक्शन नंबर 5 एक्सप्लोर करेंगे तब हमें समझ में आएगा. ठीक है, सेक्शन 5 के अंदर
पांच पैरामीटर्स रखे गए हैं दैट ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिसाइड दैट वेदर द मैरिज इज वैलिड और वॉइड और वॉइडेबल. प्लस इसके साथ साथ सेक्शन नंबर 5 की जब हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं तो एक आपका सेक्शन नंबर 7 प्लस सेक्शन नंबर 10 एंड सेक्शन 11 लिख लेना, 10 नहीं, सेक्शन 11 एंड सेक्शन नंबर 12. ये चार सेक्शंस एक साथ हमें लेके चल रहे हैं, ठीक है, फोर सेक्शन. और किसी भी मैरिज के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है उनको एक बार फॉलोअप करते हैं. एज वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू लॉ, है ना, हिंदू मैरिज एक्ट जैसे हम कह रहे हैं, When a Hindu marriage is solemnized, कब हम कहेंगे कि दो हिंदूज के बीच में जो मैरिज है वो solemnized हो चुकी है, at what time? Yes, दो तरह से हमारे पास mechanisms होते हैं मैरिज करवाने के. एक तो होता है by court, ठीक है, court marriage. अब court marriage भी दो तरीके की है, या तो court के अंदर ही marriage करवाया गया है, या फिर आपने marriage ceremonies को perform करवा के registrar के पास उसको certificate देके authorize करवा के register करवा दिया. ठीक है, तो दो तरीके हैं जो कोर्ट मैरिज के हमारे रहते हैं, विच आर स्पेसिफिकली डेल्ट अकॉर्डिंग टू द स्पेशल मैरिज एक्ट. स्पेशल मैरिज एक्ट है हमारे पास 1954, जिसमें कोर्ट मैरिज कैसे होगी ये प्रिंसिपल बताया गया है. अब कोर्ट मैरिज का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट के अंदर कोई हवन हो रहा है. दो तरीके होते हैं, टू मैथड्स आर देयर. वन इज कि आप किसी भी सर्टिफाइड प्लेस पे जहां पे मैरिजेस एक्सेट्रा होती हूं, उस सर्टिफाइड प्लेस पे जाइए, वहां पे जो भी हिंदू रिचुअल्स हैं उन रिचुअल्स को फॉलो करिए. रिचुअल्स को फॉलो करने के बाद वहां से उस सर्टिफाइड प्लेस से एक सर्टिफिकेट ले लो और ये सर्टिफिकेट फिर कोर्ट में दिखाओ, ठीक है. तो यहां से आपकी जो मैरिज है वो रजिस्टर हो जाएगी. इट इज द वन मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट मैरिज. ये स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली रखा गया. दूसरा तरीका जिसको प्योरली कोर्ट मैरिज हम कह सकते हैं वो क्या है कि आप एक एप्लीकेशन मूव आउट करेंगे, दैट इज फॉर द मैरिज, ठीक है. दोनों पार्टीज जो मैरिज करना चाहती हैं वो एक एप्लीकेशन लगाएंगी. एप्लीकेशन के बाद अल्टीमेटली दे विल गिव यू द टाइम. उस जो भी टाइम आपको दिया गया उस टाइम के अंदर जो पर्टिकुलर पार्टीज हैं उनके एड्रेसेस पे नोटिस जाएगा. उस नोटिस की सर्विंग के बाद जब किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो रजिस्ट्रार के ऑफिस में ही जैसे आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी तरह से एक मैरिज किया जाएगा, दैट दीस पर्संस आर नाउ लॉफुली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ एंड द रजिस्ट्रार विल रजिस्टर इट. यहाँ पे कोई सेरेमनीज परफॉर्म नहीं हुई है, ठीक है. सिंपली आप कोर्ट के अंदर अपनी सर्टिफिकेशन है उसकी अपनी जो अथॉरिटी है उसमें इसको इंडोर्स करते हैं. ये दो तरीके हैं. बट स्पेशल मैरिज एक्ट इज अ डिफरेंट प्रोविजन, डिफरेंट लॉ इटसेल्फ. लेकिन क्योंकि हम लोगों को हिंदू मैरिज का प्रोसेस समझना है तो हिंदू मैरिजेस कैसे हो सकती है. यस, एनी वन ऑफ यू दैट हाउ द हिंदू मैरिज विल बी डन बाय परफॉर्मिंग द रिचुअल्स और बाय डूइंग समथिंग एल्स. Yes, how the Hindu marriage will get solemnized by performing the rituals? Yes or not? By performing the rituals. By performing the rituals. Okay. And what rituals you perform? Like if I say, जैसे कि लोग कहते हैं कि सात फेरा लेना जरूरी है. So is it mandatory to take 7 फेरास in every Hindu marriage? Yes, sir. Yes. ठीक है. देखो यहाँ पे एक चीज हमें रेक्टिफाई करनी है. वो रेक्टिफिकेशन की जरूरत क्या है, दैट अगर जो स्पाउसेस हैं दे आर बिलोंगिंग टू द हिंदू रिलीजन तो जरूरी तो नहीं है कि इनके जो राइट्स और सेरेमनीज होने वाली हैं उसमें सात फेरे या सप्तपति जिसको हम कहते हैं It is there. It is not always required. आप लोग अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान लगाएं
लाइक इफ यू ऑल बिलोंगिंग टू हिमाचल तो हिमाचल में शादी करने का तरीका अलग होगा. इफ यू गो इन टू साउथ इट विल बी आउटराइटली डिफरेंट. इफ यू गो इन टू द ट्राइबल एरिया इट इज आउटराइटली डिफरेंट. तो जरूरी नहीं है कि हर जगह सप्तपति किया जाए. इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड. ठीक है. वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू परफॉर्म द राइट्स एंड सेरेमनीज. अब आपको मैं अगर कुछ एक एग्जाम्पल दू, इफ यू गो इन टू द पांगी एरिया ऑफ हिमाचल या लाहौल स्पीति पांगी इस साइड पे अगर आप देखें तो देर इज अ काइंड ऑफ मैरिज विच इज कॉल्ड एज, उसका जो हिंदी टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं तो पिट चुक ब्याह कहते हैं. ठीक है. वट हैपन्स इन दैट, ग्रूम कैरीज फीमेल देर इज अ ब्राइड ऑन हिज शोल्डर एंड दैट इज अ लॉफुल मैरिज. ठीक है. एक व्यक्ति जो है अपने शोल्डर पे एक लेडी जिसको भी जिसके साथ भी वो शादी करना चाहता है उसको उठा के अपने घर ले आएगा तो दैट इज अ लॉफुल मैरिज. So that is basically the rites or ceremonies we can see and the kind of marriage it is. No saptapati is required. Not at all. Both of them belonging to Hinduism, but saptapati is not required. So zaruri kya hai? Zaruri hai rites and ceremony. Agar rites or ceremonies, riti or rivaj jo bhi hai, unme saptapati important part play karta. Jaise aap jin bhi रिलीजन सॉरी जिस भी रिचुअल को फॉलो करते हैं उस रिचुअल में बिना सात फेरे के शादी पूरी नहीं होगी, ऐसा है. सो ऐसे केसेस में सप्तपति मैंडेटरी होगा. ऐसे केसेस में नॉर्मली दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ आपको अगर आप ब्लंटली ये कह दें कि सात फेरे जरूरी है हिंदू मैरिज के लिए तो ये गलत होगा. आपको राइट्स एंड सेरेमनीज परफॉर्म करनी है. जो भी राइट्स एंड सेरेमनीज, अगर राइट्स और सेरेमनीज का पार्ट है सप्तपति जिसको सात फेरे या कह जाता है तो उस केस में सप्तपति इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नॉट. ठीक है. तो अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे एरिया में रहते हैं कंट्री के जहां पे सप्तपति नहीं होता है बट यू आर परफॉर्मिंग योर रिचुअल तो दैट इज ऑल्सो अ बाइंडिंग मैरिज. दैट इज ऑल्सो अ बाइंडिंग मैरिज. एक तो ये, तो यही से सेक्शन नंबर 8 एक बार आप एक बार निकालिए. सेक्शन नंबर 7, look what section 7 is saying. A Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. Matlab bride ya bridegroom dono mein se kisi bhi party ki taraf se jo bhi ritual hai agar unko perform kiya ja raha hai rites and ceremonies ko to Hindu marriage may be solemnized. theek hai, ho sakti hai. aur dusra keh raha hai ki agar aapke riti rivaj jo bhi hain the rites and ceremonies which the persons are adopting अगर उनमें सप्तपति इंपॉर्टेंट है या सप्तपति इंक्लूड होता है, लिखा ना विच देयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड सप्तपति, तो जरूरी नहीं है कि हर बार राइट्स और सेरेमनीज में सप्तपति हो. लेकिन अगर सप्तपति इज देयर दैट इज द टेकिंग ऑफ सेवन स्टेप्स बाय द ब्राइडग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली बिफोर अ सेक्रेड फायर द मैरिज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग विद द सेवन स्टेप इज टेकन. तो ये इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है कि आप हिंदू मैरिज के लिए क्या परफॉर्म करेंगे, राइट्स एंड सेरेमनीज. अगर राइट्स और सेरेमनीज सप्तपति को इंक्लूड करती है तो सप्तपति जो है दैट इज टेकिंग सेवन स्टेप्स देन इट इज मैंडेटरी. और सेवन स्टेप लेते ही शादी जो है दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ बाइंडिंग मैरिज. तो व्हाट इज रिक्वायर्ड for solemnizing a Hindu marriage according to the rituals, the rites and ceremonies are to be performed. ठीक है, rites and ceremonies. आपको interview में question पूछे जा सकते हैं कि Hindu marriage कब complete होगा, when the rites and ceremonies either of the side of the bride or of the bridegroom are being followed, it is a lawful marriage. अगर ceremonies का part सप्तपति है तो सप्तपति होना जरूरी है, बिना सप्तपति हुए marriage binding नहीं. This is the answer. ठीक है, rites and ceremonies must be there. अब यहीं से एक चीज निकालते हैं. There is a person, Mr. A, and there is a lady W. Both of these belonging to Hindu religion and they want to perform a marriage. The rites and ceremonies are to be performed. Very simple. ठीक है, rites and ceremonies are to be performed. सप्तपति is a part of rites and ceremonies, जो भी रीति रिवाज है उसमें सप्तपति include कर रहा है. Now these two persons A and W
they take only four steps before the sacred fire. सिर्फ चार स्टेप लिए एंड देयर आफ्टर दे सेड की हो गई शादी. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस मैरिज? इज इट वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल? वॉइडेबल सर. यस. व्हाट अबाउट अदर्स? आई एम सेइंग, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि ए और डब्ल्यू ने मैरिज करनी है, मैरिज करने के लिए राइट्स एंड सेरेमनीज परफॉर्म करने हैं. राइट्स और सेरेमनीज में सप्तपति इंक्लूड करता है और इन्होंने सप्तपति को परफॉर्म नहीं किया. फोर स्टेप्स लेने के बाद दे सेड द मैरिज इज ओवर. माय क्वेश्चन इज दैट वेदर इट इज अ वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज. यू आर सेइंग दैट इट इज वॉइड मैरिज. द आंसर इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज इट इज नो मैरिज. मैरिज अगर होगी तो फिर देखा जाएगा कि वॉइड है, वैलिड है या वॉइडेबल है. सेवन फेरास लेने जरूरी है तभी मैरिज जो है वो बाइंडिंग होगा. अगर सेवन फेरास हुए ही नहीं तो मैरिज तो सोलमनाइज ही नहीं हुई है. यस, मैरिज इज नॉट एट ऑल देयर. एंड इफ देयर इज नो मैरिज बिकॉज द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन सेवन इज नॉट देयर. व्हाट कंप्लायंस? द राइट्स एंड सेरेमनीज आर नॉट परफॉर्म. तो इसका मतलब दोनों पार्टीज की शादी हुई ही नहीं. और अगर शादी हुई ही नहीं तो इसका मतलब वॉइड मैरिज, वैलिड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज के जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक नहीं उठे. ठीक है, वॉइड मैरिज कब होगी उसके लिए ये जरूरी है कि मैरिज हुई है पूरी, राइट्स एंड सेरेमनीज परफॉर्म हुए होने चाहिए. ठीक है, तो इस पे आप लिख लो पहले दो लाइनें. राइट डाउन दैट व्हेन व्हेन the rites and ceremonies between the parties are not performed, when the rites and ceremonies between the parties are not performed, then are not performed likh lo ya oblique karke likh lo incomplete, matlab rites and ceremonies are incomplete, are not performed or are incomplete, then it is no marriage. Then it is no marriage and it is not to be considered, it is no marriage and it is not to be considered as a void marriage, it is not to be considered as a void marriage. Because देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि void marriage कब होगी इसके लिए हमें सेक्शन 5 रेड टुगेदर विद सेक्शन 11 समझना होता है. इन दो सेक्शन की अगर एप्लीकेशन हो तो मैरिज वॉइड हो सकती है. ठीक है, लेकिन अगर सेरेमनीज परफॉर्म ही नहीं हुई तो मैरिज हुआ ही नहीं है. और अगर मैरिज हुआ ही नहीं, देर इज नो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन, देर आर नो मैट्रिमोनियल राइट ऑफ द पार्टी. क्लियर हो गया पहला पॉइंट? ठीक है, वट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नो मैरिज? नो मैरिज का कॉन्सेप्ट भी पूछे तो जवाब क्या है? जब राइट रिचुअल सेरेमनीज परफॉर्म नहीं हुई. अगर राइट्स रिचुअल सेरेमनीज का पार्ट सप्तपति है तो सप्तपति का होना जरूरी है. सिंपल. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं कुछ एक यहाँ पे ना टर्म्स अभी यूज करने वाला हूँ. यू प्लीज टेल मी दैट वेदर यू हैव हर्ड दीज स्टेटमेंट्स और यू नो दीज स्टेटमेंट्स और टर्म्स और नॉट. दैट इज द एक्सोगैमी. यस यस और नो करके जवाब दीजिएगा. एक्सोगैमी सुना है पहले कभी? नो सर. नहीं सुना है. नेक्स्ट वन इज एंडोगैमी. एक्सोगैमी, एंडोगैमी नहीं सुना. बाइगैमी ये तो सुना ही होगा. ठीक है, बाइगैमी, पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री. ठीक है, पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री, ये कुछ एक टर्म्स हैं जिनको हमें एक्सप्लेन करना है. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड दिस और ये टर्म्स हैं क्या? इफ यू गो टू दिस टर्म्स, तो मैं एक छोटा सा आपके साथ शेयर करता हूँ. लास्ट टू लास्ट ईयर आई बिलीव इन 2018 और 2017 शायद से HPGS के पेपर में जो सिविल लॉ 2 का पेपर होता है, तो पहला ही क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सोगैमी अंडर द हिंदू लॉ. ठीक है, तो एक्सोगैमी, एंडोगैमी ये प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहले थोड़ा सा मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उसके बाद हम आगे लॉ पे आते हैं. सबसे पहले हम एंडोगैमी से शुरू कर रहे हैं. देखो एंडोगैमी का मतलब क्या होता था, जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन जब शुरू हुआ तो मैरिजेस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि द
बच्चे जो भी जो ऑफस्प्रिंग्स होते थे उनकी लेजिटिमेसी का एक सवाल उठा, ठीक है, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल ना, एंड व्हेन वी आर सेइंग दैट इट इज अ सोशल एनिमल इट मस्ट बी डिफरेंट, इट मस्ट बी ऑन द डिफरेंट फुटिंग. तो एंडोगेमी के प्रिंसिपल का बेसिकली पर्पस ये था कि आप सिर्फ एक ट्राइब के अंदर या एक ही कास्ट के अंदर या एक ही सब कास्ट के अंदर मैरिजेस करेंगे, ठीक है, अंडर वन ट्राइब वन कास्ट वन सब कास्ट. एंडोगेमी का प्रिंसिपल जो था, इट प्रोहिबिट्स द इंटर कास्ट मैरिजेस, ठीक है, इंटर कास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस, इंटर ट्राइबल मैरिजेस, इनको ये प्रोहिबिट करते थे, रोकते थे. इनका इसके पीछे का कारण क्या था, रीजन क्या था, इनको ये लगता था कि हमारा जो बच्चा है या जो भी ब्राइड है या ब्राइड ग्रूम है वो हमारी ही फैमिली में रहे, कहीं और ना जाए. तो दैट वाज द प्रिंसिपल कि अगर इंटर कास्ट मैरिजेज इंटर ट्राइब मैरिजेज होंगी तो वो कहीं और चला जाएगा. तो व्हेन दिस एंडोगेमी वाज बीइंग फॉलोड, तो इससे कुछ एक प्रॉब्लम्स जो थी वो सोसाइटी में देखी गई कि एक ही व्यक्ति भाई बहन भी है और हस्बैंड वाइफ भी हो रहे हैं, ठीक है. तो इट वॉज समथिंग विच इज नॉट एडॉप्टेड इन द सोसाइटी. तो एक नया प्रिंसिपल एडॉप्ट किया गया, द प्रिंसिपल वॉज ऑफ एक्सोगेमी. एक्सोगैमी से एक्स से समझ में आता है कि किसी चीज का एक्सक्लूजन किया जा रहा है, ठीक है, एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड करना. तो इन्होंने क्या कर दिया, दैट इज जो हमारी स्पिंडा मैरिजेस होती थी, स्पिंडा मैरिजेस मतलब एक ही गोत्र के अंदर जो शादियां हो रही है, ठीक है, स्पिंडा मैरिजेस, उनको इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है. स्पिंडा मैरिजेस वर रिस्ट्रिक्टेड. पहले क्या होता था, एक ही गोत्र में शादियां हो रही हैं. अब इसको एक्सोगेमी के प्रिंसिपल को जब सिविलाइजेशन में फॉलो किया गया तो स्पिंडा मैरिजेस पे रोक लगा दी, और स्पिंडा मैरिजेस का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि अगर ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दोनों का जो कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, वो कुछ एक डिग्रीज के बीच में आके कॉमन हो जाता है तो ये लोग आपस में शादी नहीं कर सकते. अगर वो डिग्री से बाहर चले गए तो ये शादी कर सकते हैं. और वो डिग्रीज क्या थी कि अगर ब्राइड ग्रूम लड़के की तरफ से देखा जाए तो 7 डिग्रीज हुआ करते थे और ब्राइड की तरफ से देखा जाए तो 5 डिग्री हुआ करते थे, ठीक है, कि अगर लड़की की तरफ से ऊपर की तरफ 5 डिग्रीज देखेंगे, मतलब लड़की के फादर 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 ऐसे, और ब्राइड ग्रूम की तरफ से भी ऐसे देखेंगे, तो अगर 7 डिग्री या 5 डिग्री तक कोई कॉमन एंसेस्टर आ जाए तो हम इनको कहते थे ये स्पिंडा है, एक दूसरे की स्पिंडा रिलेशनशिप है इनके बीच में, एक ही गोत्र के माने जाते थे. ये जो 5 और 7 डिग्री का मैं प्रिंसिपल बता रहा हूं ये हमारे ओल्ड हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली 7 एंड 5 डिग्रीज का प्रिंसिपल. तो मैं एक छोटा सा पहले एग्जाम्पल दे देता हूं सो दैट यू विल गेट टू नो इट. Like there is a person, Mr. F. He has a son, FS, and a daughter, FD. There is another son, FS1. Thereafter, FS2. And यहाँ पे इस साइड पे it is FD1. तो अब मान लो इस व्यक्ति की इस लड़की के साथ शादी करने का विचार है, ठीक है, इट इज सच मैरिज थिंग वी हैव टू सी. तो यहां पे ये देखा जाता था कि ये फादर्स के मेल्स की तरफ से, और अगर ऊपर मदर की तरफ है तो फीमेल्स की तरफ से कॉमन एंसेस्टर कितने डिग्री पे आता है. तो यहां से 1, 2 एंड 3 डिग्री पे कॉमन एंसेस्टर आ रहा है और यहां पे 1, 2, 3 एंड 4 पे. तो हमने एक लिमिट फिक्स करी थी, ओल्ड पर्सनल लॉ की बात कर रहा हूं, 7 डिग्रीज कम से कम फासला होना चाहिए मेल की तरफ से, मेल, और फीमेल की तरफ से कम 5 डिग्री का फासला होना, उसके बाद ही माना जाता था कि ये स्पिंडा रिलेशनशिप इनके बीच में नहीं, 7 एंड 5. लेकिन
जब हमने अपना ये पर्सनल लॉ छोड़ के हिंदू लॉ ड्राफ्ट किया 1955 के अंदर, जब ये पास हुआ 1956 के अंदर इसकी इन्फोर्सिबिलिटी जब शुरू हुई, तो इस डिग्री को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया। इस डिग्री को रिड्यूस क्या कर दिया कि आज की डेट में अगर हम देखें तो मेल की तरफ से 5 डिग्री देखे जाते हैं, 5 डिग्री, एंड फीमेल की तरफ से देखेंगे तो 3 डिग्रीज देखे जाते हैं। अगर 5 डिग्री या 3 डिग्री के बीच में ही ब्राइड या ब्राइडग्रूम के लिए कोई कॉमन एंसेस्टर आ जाए, कॉमन एंसेस्टर, तो ये दोनों एक दूसरे के स्पिंडा रिलेशनशिप में फॉल करेंगे और ये मैरिज नहीं कर सकते। लेकिन अगर 5 डिग्री से ऊपर चले गए हैं या 3 डिग्री से ऊपर चले गए हैं तो इनका ये स्पिंडा रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पे देता हूं कि स्पिंडा रिलेशनशिप कब खत्म हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू Marriage Act 1956, आप ये देखिएगा, it is if there is FS1, there is FS1D and there is FS1DD, और अगर दूसरी साइड पे देख रहे हैं, it is FS1, FS1S, FS1SS और एक हिरारे के नीचे और ले आते हैं FS1SSS, इस तरह से। तो अब मान लो इस व्यक्ति की शादी इसके साथ करनी है तो ये दोनों सपिंडा में एक गोत्र में आएंगे या नहीं आएंगे उसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो इफ वी हैव टू काउंट फ्रॉम द साइड ऑफ मेल, मेल मतलब जैसे ये सारे लोग सन है, इनकी तरफ से काउंट करेंगे तो हमें कितने डिग्री चलना है, 5 डिग्री, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिग्री, 5 डिग्री यहां पर आ रहा है, ठीक है। और इनकी तरफ से देख रहे हैं तो 1, और ये फीमेल की तरफ से देखेंगे ना क्योंकि ये माँ यहाँ पे है, डॉटर, 1, 2 एंड 3, तो इनका कॉमन एंसेस्टर जो है वो 5 और 3 डिग्री की लिमिट से बाहर है, यस। और अगर 5 और 3 डिग्री की लिमिट से बाहर हो गया तो दीज टू पर्सन आर नॉट पिंडा टू ईच अदर, और ये दोनों शादी कर सकते हैं। इट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि स्पिंडा मैरिजेस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये जो एक एक्सोगेमी का प्रिंसिपल था इसे लाया गया कि आप स्पिंडा के अंदर शादी नहीं, पहले क्या होता था एंडोगेमी का जब रूल था ना तो ये कर लेते थे शादी, लेकिन एंडोगेमी को हटाया गया, बहुत सारा इसमें एक मेडिकल फैक्ट्स भी बीच में थे कि डीएनए लोगों का जो है वो मिसमैनेज होता था ऐसी ऐसी मैरिजेस के अंदर, तो उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया और एक्सोगेमी का प्रिंसिपल लाया जिसमें कह दिया कि स्पिंडा मैरिजेस नहीं होंगी, इंटरकास्ट मैरिजेस हो सकती है। तो ये एक्सोगेमी का प्रिंसिपल आप दो लाइनों में लिख लो, व्हाट इज एक्सोगेमी, राइट डाउन दैट प्रोहिबिशन ऑन द स्पिंडा मैरिजेस एंड मैरिंग आउटसाइड ट्राइब, एंड मैरिंग आउटसाइड ट्राइब वॉज प्रमोटेड, मैरिंग आउटसाइड ट्राइब वॉज प्रमोटेड एंड Exogamy promotes the intercaste marriages. Exogamy promotes the intercaste marriages. I hope it is clear. What is endogamy and exogamy? Yes. इसके बाद जो तीन मैंने और words यहाँ पे use किए थे उनको भी explain कर देते हैं. One is the polygamy. Next one is polyandry, and the third one is monogamy. Polygamy और bigamy एक तरह से overlap करते हैं. कैसे overlap करते हैं? इसका मतलब ये है that one male having more than one wife. एक व्यक्ति की अगर एक से ज्यादा wives होंगी, अगर दो है तो बाइगैमी, दो से भी ज्यादा है तो पॉलीगैमी। पॉलीएंड्री में क्या है? पॉलीएंड्री में रिवर्स है, फीमेल हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, दिस इज पॉलीएंड्री। एंड मोनोगैमी मतलब देर इज ओनली वन हस्बैंड एंड वन वाइफ, वन हस्बैंड One wife. इसको कहते हैं मोनोगैमी।
हमारे पास आज के टाइम पे जो प्रिंसिपल चलता है वो मोनोगैमी का प्रिंसिपल है. अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट ओनली मोनोगैमी कैन बी देयर, देयर इज वन स्पाउस एट व्हाट वन टाइम. ठीक, समझ गए ना. दो चीजें मैंने अभी एक्सप्लेन करी है. वन इज, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नो मैरिज, जिसको हम सेक्शन 7 के साथ समझते हैं कि अगर सेरेमनीज परफॉर्म नहीं हुई है या इनकम्प्लीट रह गई है तो शादी नहीं हुई. ठीक है, और दूसरा ये जो प्रिंसिपल्स हैं एक्सोगेमी एंडोगेमी एंड स्पिंडा का कैसे इनकी साथ कनेक्शन है, व्हाट इज दैट. अब इसमें एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा, जैसे हमारा जो हिंदू लॉ है, हिंदू लॉ हिंदू के ऊपर भी अप्लाई कर रहा है, सिक्स के ऊपर भी करता है, बुद्धिस्ट के ऊपर भी करेगा, एंड जैन लोग जो होते हैं उनके ऊपर भी करता है. ठीक है, हिंदू सिख जैन एंड बुद्धिस्ट. ठीक है, इन चार लोगों को हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली हिंदू माना जाएगा. लेकिन इनको हम हिंदू सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस लॉ की एप्लीकेशन इनके ऊपर होती है. रिलीजन के बेसिस पे ये सिख बुद्धिस्ट जैन ही माने जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द एप्लीकेशन ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, दीज पर्सन्स और दीज रिलीजन्स आर ऑल्सो कवर्ड बाय दिस. तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले, so if two persons are belonging to Sikhism, okay, that is the bride as well as the bridegroom, both are belonging to Sikh religion, so kya Sikh religion mein saptapati hota hai? Yes, nahi hota. Yes. Sikh religion mein jo marriage hogi, that will be called as anand marriage, jisko hum kehte hain. Aur anand marriage kya hai? Guru Granth Sahib ke gurudware mein char phere jab le liye jayenge, to that will be the binding marriage. ठीक है, सात फेरा, अग्नि के सात फेरे जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर रिचुअल. तो हमने चार फेरे जब ले लिए तो हमने क्या कर दिया, सेरेमनीज आर परफॉर्म. वंस द सेरेमनीज आर परफॉर्म, इट इज अ बाइंडिंग मैरिज. सप्तपति जरूरी नहीं है करना और सप्तपति करते भी नहीं है, तो इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड. तो दिस इज हाउ वी हैव टू सी. लेकिन हिंदू लॉ कवर कर रहा है, सेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली हिंदू लॉ इज देयर. दीपिका, यू हैविंग एनी क्वेश्चन? Sir, Sikhs are also having Anandkar Act of I think 2018 or something like that. नहीं, एक तो पुराना लॉ था उनका, वो तो रिपील कर दिया. जब हिंदू लॉ हमारा ड्राफ्ट हुआ था तो सिक्स का जो लॉ था अनंत मैरिज एक्ट, दैट वाज रिपील. ठीक है, अब उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज़ हिंदूज आर बीइंग, सॉरी, सिक्स आर बीइंग आल्सो रेगुलेटेड बाय दिस पर्टिकुलर लॉ, दैट इज व्हाई. चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वॉइड मैरिजेस जो है ये क्या है. वॉइड मैरिज हमारे पास, जिसमें सेक्शन 5 के बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि व्हेन देयर विल बी अ वैलिड मैरिज, व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मैरिज. तो तीन प्रिंसिपल्स यहाँ पे आते हैं. एक तो सेक्शन 5 का क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 4 एंड क्लॉज नंबर 5. अगर इन तीन क्लॉजेज की एप्लीकेशन हो रही है तो आपकी मैरिज जो है वो वॉइड मानी जाए. ठीक है, 5 का क्लॉज 1, 5 का क्लॉज 4 एंड सेक्शन 5 का क्लॉज नंबर 5, इन तीन की एप्लीकेशन होगी तो मैरिज कैसी है, वॉइड मैरिज. अब इन तीनों में है क्या उसको समझो. लुक, सेक्शन नंबर 5 क्लॉज नंबर 1 स्टेट्स दैट इफ यू आर हैविंग अ स्पाउस, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों की ऑलरेडी मैरिज है, अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, दोनों अलाइव है, ठीक है, दोनों जीवित भी हैं, तलाक भी नहीं हो रखा है, और दूसरी स्पाउस के जीते जी अगर मिस्टर एच, सॉरी, फर्स्ट स्पाउस के जीते जी अगर मिस्टर एच एक दूसरी मैरिज कर ले W1 के साथ, लाइक देर इज एच, देर इज W, एंड ही मैरिज विद W1 विदाउट गिविंग डाइवोर्स टू W, W को तलाक नहीं दिया, W की डेथ नहीं हुई, जीते जी उसके जो है W1 के साथ शादी करते हैं, तो ये जो सेकंड मैरिज हुई है ना H और W1 की, दिस मैरिज विल बी कॉल्ड एज वॉइड मैरिज. लेकिन ये वॉइड मैरिज तभी मानी जाएगी अगर H और W1 के बीच में राइट्स एंड सेरेमनीज परफॉर्म हुई. अगर राइट्स एंड सेरेमनीज परफॉर्म नहीं हुई तो सेकंड मैरिज की एग्जिस्टेंस जीरो मानी जाएगी, जीरो. ठीक है, समझ गए ना. इफ अ पर्सन हैविंग अ स्पाउस लिविंग एंड ही गेट्स इनटू द मैरिज विद अनदर पर्सन, तो सेकंड मैरिज विल बी कॉल्ड एज अ वॉइड मैरिज, फर्स्ट मैरिज बाइंडिंग रहेगी. इसी को अगर मैं रिवर्स में बात करूं आपके साथ,
ठीक है, ये आप लोगों के थोड़ा समझने वाली चीजें हैं। लाइक एच और डब्ल्यू, इन दोनों की शादी जो थी, मान लो पिंडा रिलेशनशिप के अंदर है ये दोनों, ठीक है, स्पिंडा रिलेशनशिप। एच और डब्ल्यू दोनों एक ही गोत्र के हैं, तो स्पिंडा रिलेशनशिप के अंदर अगर मैरिज हुई है तो इस मैरिज को हम क्या मानेंगे, वॉइड मैरिज मानेंगे, वॉइड मैरिज। सेक्शन नंबर 5 के क्लॉज नंबर 5 के अंदर ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। इफ देयर इज अ स्पिंडा रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन एंड गेट इनटू द मैरिज, द मैरिज इज वॉइड इन नेचर। अब एच जो है वो एक W1 के साथ शादी कर लेता है, तो इसकी फर्स्ट मैरिज क्योंकि वॉइड थी, तो सेकेंड मैरिज अगर इसने ठीक रिचुअल परफॉर्म करके करी है तो सेकेंड मैरिज इसकी वैलिड कंसीडर की जा सकती है, ठीक है। इफ द फर्स्ट मैरिज इज वॉइड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5, द सेकेंड मैरिज मे बी अ वैलिड मैरिज। लिख लो, इफ द फर्स्ट मैरिज इज वॉइड, सेकेंड मैरिज मे बी अ वैलिड मैरिज। सेकेंड मैरिज मे बी अ वैलिड मैरिज। सो एज वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइड मैरिज, मैंने आपको यहां पे दो चीजें भी आपसे डिस्कस करी। एक तो अगर बाइगैमियस मैरिज हो रही है, बाइगैमियस मैरिज मतलब फर्स्ट वाइफ इज देयर, फर्स्ट हस्बैंड इज देयर एंड द पर्सन इज गेटिंग इनटू द सेकंड मैरिज, बाइगैमियस मैरिज। सेकंड इज अगर एच और डब्ल्यू, हस्बैंड एंड वाइफ जो भी हैं, दोनों प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर है। प्रोहिबिटेड डिग्री क्या होती है, पहले इसको समझ लो, ठीक है। प्रोहिबिटेड डिग्रीज लाइक कि एक व्यक्ति अपनी सिस्टर के साथ मैरिज कर लेता है, इट इज अ प्रोहिबिटेड डिग्री, यू कैन नॉट गेट इनटू द मैरिज। एक व्यक्ति अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ शादी कर लेता है, या कोई सिस्टर अपने ब्रदर इन लॉ के साथ शादी कर लेती है, अपने ग्रैंड फादर के साथ कोई कर लेता है, या ग्रैंड सन के साथ कोई शादी करता है, तो ऐसी डिग्रीज को प्रोहिबिटेड डिग्री माना जाता है, ठीक है। हमारे पास प्रोविजन है, आप सेक्शन नंबर 3 के अंदर अगर आए तो डेफिनेशन क्लॉजेज में सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 3 क्लॉज नंबर 6 ये बताता है कि प्रोहिबिटेड डिग्री क्या होगी। तो प्रोहिबिटेड डिग्री इज वेयर द पर्सन इज गेटिंग इनटू द मैरिज विद हिज लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट, ये सब लिखा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करके दे देता हूँ, लाइक सिंपल से तरीके से इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखते जाइए, देख प्रोहिबिटेड डिग्रीज क्या थी। देर इज अ पर्सन मिस्टर ए, ही हैज अ फादर, देर आफ्टर फादर्स फादर, देर आफ्टर फादर्स फादर्स फादर, एंड देर इज वाइफ डब्ल्यू। तो इफ ए वॉन्ट्स टू गेट इन टू मैरिज विद डब्ल्यू, अपनी पर दादी के साथ अगर शादी करना चाहे, तो इसको हम प्रोहिबिटेड डिग्री में काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ, दिस विल बी कॉल्ड एज लीनियल असेंडेंट, लीनियल असेंडेंट। इसी तरह से अगर नीचे की तरफ देखते हैं, लाइक देर इज अ पर्सन मिस्टर ए, देर इज हिज सन, देर आफ्टर सन 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 सन, एंड देर इज अ वाइफ डब्ल्यू, एंड ए वॉन्ट्स टू गेट इन टू मैरिज विद दिस लेडी, दिस इज ऑल्सो अ प्रोहिबिटेड डिग्री, ठीक है। तो वाइफ ऑफ अ लीनियल असेंडेंट और वाइफ ऑफ अ लीनियल डिसेंडेंट, इसको प्रोहिबिटेड डिग्री मानते हैं। अगर एक डब्ल्यू फादर या फादर्स फादर की तरफ, ऊपर की तरफ, इनसे किसी से शादी करना चाहे, तो दिस विल बी कॉल्ड एज लीनियल असेंडेंट के साथ वो शादी अगर करना चाहती है, तो इट इज अगेन अ प्रोहिबिटेड डिग्री। अगर ये सन 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 इनके साथ शादी करना चाहती है, तो अगेन इट इज अ प्रोहिबिटेड डिग्री। तो इस तरह से सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर जी, 3 के क्लॉज नंबर जी के अंदर प्रोहिबिटेड डिग्रीज की बात की, कि लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट, या वाइफ ऑफ अ लीनियल असेंडेंट, या असेंडेंट मतलब ऊपर की तरफ, डिसेंडेंट नीचे की तरफ, इनके साथ अगर कोई शादी करना चाहता है तो दे कैन नॉट। वाइफ ऑफ अ ब्रदर, ठीक है, देयर इज दिस पर्सन मिस्टर एफ, ही हैज टू सन्स, FS एंड FS1, एंड ही हैज अ वाइफ W, एंड FS वांट्स टू गेट इनटू मैरिज विद W। सो दिस इज, वी कैन से दिस पर्सन वांट टू गेट इनटू मैरिज विद ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ, दिस इज समथिंग
विच इज अगेन कवरिंग इन टू द प्रोहिबिटेड डिग्री. तो ऐसे कुछ एक रिलेशनशिप है जो प्रोहिबिट किए गए हैं, यू कैन नॉट गेट इन टू द मैरिज. अगर प्रोहिबिटेड डिग्री की बात आएगी तो भी मैरिज जो है वो वॉइड मानी जाती है. और तीसरा है स्पिंडा रिलेशनशिप, अगर स्पिंडा के अंदर शादी हो रही है दैट इज ऑल्सो अ वॉइड मैरिज. बाइगैमियस, प्रोहिबिटेड डिग्रीज एंड स्पिंडा रिलेशनशिप, इन तीन के अकॉर्डिंगली सेक्शन 5 के क्लॉज नंबर 1 के अंदर है, ये क्लॉज 4 के अंदर है और ये क्लॉज 5 के अंदर है. और अगर इन इनके इन तीन क्लॉजेज में मैरिज जा रही हो तो मैरिज विल बी कॉल्ड एज वॉइड मैरिज. ठीक है, तब मैरिज को हम वॉइड मानते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, थ्री थिंग्स आर देयर. ठीक है, अ पर्सन शुड नॉट बी हैविंग अ वाइफ लिविंग, अ पर्सन शुड नॉट बी इन अ प्रोहिबिटेड डिग्री, अ पर्सन शुड नॉट बी इन अ स्पिंडर रिलेशनशिप, ओनली देन अ मैरिज मे बी अ वैलिड मैरिज. सिंपल. ठीक है, तो अपनी रेफरेंस के लिए आप लिख लो दैट फॉर अ वैलिड मैरिज, फॉर अ वैलिड मैरिज, नंबर 1, इट शुड नॉट बी बाइगैमियस. फॉर अ वैलिड मैरिज इट शुड नॉट बी बाइगैमियस मैरिज. नंबर 2, द पार्टीज मस्ट नॉट बी, द पार्टीज मस्ट नॉट बी इन अ प्रोहिबिटेड डिग्री, पार्टीज मस्ट नॉट बी इन अ प्रोहिबिटेड डिग्री. एंड नेक्स्ट वन इज दे शुड नॉट बी स्पिंडा टू ईच अदर. स्पिंडा मतलब एक ही पिंड, एक ही गोत्र के वो नहीं होने चाहिए. ठीक है, पार्टी शुड नॉट बी स्पिंडा टू ईच अदर. अगर ये तीन चीजें हमारे पास हैं तो मैरिज हमारी वैलिड हो सकती है. देखो, अब यहां से सेक्शन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं. सेक्शन नंबर 5 के इन तीन क्लॉजेस की अगर एप्लीकेशन हो रही है तो सेक्शन नंबर 11 जो है वो ये कहता है कि आप अगर कोई भी मैरिज जो वॉइड मैरिज है, जो सेक्शन 5 के क्लॉज 1, 4 एंड 5 के अंदर फॉल कर रही है, तो आप चाहो, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इफ यू वॉन्ट, इफ यू हैव द डिजायर, तो आप इसको कोर्ट में जाके डिक्री ऑफ नलिटी, डिक्री ऑफ नलिटी ये ले लो. ठीक है, लेकिन मैं दोबारा से कहूंगा, सेक्शन 11 कहता है कि अगर वॉइड मैरिज है तो आप चाहते हो कि डिक्री ऑफ नलिटी आपको चाहिए तो ले लो, नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं. बिकॉज वॉइड मैरिज इज वॉइड फ्रॉम इट्स इंसेप्शन. यस, जो चीज वॉइड है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है. पर अगर कोई चीज वॉइड है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द डिक्री फ्रॉम द कोर्ट, नॉट रिक्वायर्ड. इफ यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर दैट. सेक्शन 11 इसी प्रिंसिपल की बात करता है कि वॉइड मैरिज, मैं अभी आपको जजमेंट भी दूंगा साथ में, कि वॉइड मैरिजेस के केसेस में जरूरी नहीं है कि कोर्ट की डिक्री लिए बिना मैरिज वॉइड नहीं होगी. जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है वो वॉइड ही रहेगी, वो वैलिड में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती. ना तो पार्टीज के ऑप्शन पे है और ना पार्टीज इसको वैलिड बना सकती है. तो समथिंग विच इज वॉइड फ्रॉम द इंसेप्शन इट इज ऑल टूगेदर वॉइड. बट इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू द कोर्ट एंड वॉन्ट टू क्लेम द डिग्री यू कैन टेक इट. ठीक है, और कोर्ट इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आपको देगा नहीं. इफ यू नीड अ डिग्री यू गिव अ पिटिशन एंड द कोर्ट विल ग्रांट दैट द मैरिज इज नलिटी. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 11 पे आते हैं. टेक इट आउट. लुक व्हाट इट इज सेइंग दैट एनी पार्टी एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. अब ये क्यों लिखा इन्होंने, प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन दिया जा रहा है. प्रोस्पेक्टिव मतलब आज की डेट के बाद अगर कोई कुछ ऐसा कर रहा है. ठीक है, एनी मैरिज सोलेमनाइज, क्योंकि 1956 से पहले तो हमारे पास हिंदू मैरिज का कोडिफिकेशन नहीं था, कोई लॉ नहीं था. और अगर लॉ नहीं था तो आपको पता होना चाहिए कि पहले पहले जो बुजुर्ग लोग होते थे, आज के टाइम पे बुजुर्ग होंगे वो, तो वो एक से ज्यादा शादियां कर लेते थे.
ठीक है, इट यूजुअली हैपेंस, लेकिन आफ्टर द 1956, 18 मई 1956 के बाद जब ये लॉ एप्लीकेबल हुआ, उसके बाद आप नहीं कर सकते। अगेन आई एम रीडिंग दैट मैरिज सॉलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शेल बी नल एंड वॉइड। शेल बी नल एंड वॉइड का मतलब इट इज अ डिक्लेरेशन एंड अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट इट इज नल एंड वॉइड एंड मे, अगर आप चाहो तो, and may on a petition presented by either party thereto against other party be so declared by the decree of nullity if it contravenes any of the conditions in clause 1, 4 and 5. क्या मतलब हुआ कि ये मैरिज स्टार्टिंग से ही नल एंड वॉइड है, इट शेल बी नल एंड वॉइड एंड इफ यू वॉन्ट टू टेक अ डिक्री यू हैव द डिस्क्रिशन। सिंपल, तो इस पे लिख लो थोड़ा सा, ठीक है। आई एम गिविंग यू अ जजमेंट, द नेम ऑफ द केस इज इट इज MM मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MM मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट इज 2005 सुप्रीम कोर्ट। MM मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट। राइट डाउन, इट वॉज हेल्ड दैट सेक्शन 11, it was held that section 11 does not make it mandatory, section 11 does not make it mandatory to obtain the decree, does not make it mandatory to obtain the decree of nullity, does not make it mandatory to obtain the decree of nullity, full stop, since the marriage is void ab initio, void ab initio मतलब void from the inception, void from the beginning, it is void ab initio comma no such decree is required, no such decree is required enabling an enabling provision which enables the party, an enabling provision which enables the party to get a decree, which enables the parties to get a decree of nullity, get a decree of nullity, full stop, clear हो गया, ठीक है। What is the issue given section number 5 read with section number 11, ठीक। Coming to the next point, अब इसमें एक छोटा सा मैं आपको और point discuss करूंगा कि अगर मैरिज वॉइड हो चुकी है, जैसे कि तुमने समझ लिया कि अगर बाइगैमियस मैरिज है तो सेकंड मैरिज वॉइड है, अगर स्पिंडर रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर मैरिज हुई है तो भी वो वॉइड मानी जाती है, तो क्या वॉइड मैरिज से जो स्पाउस है क्या उसे मेंटेनेंस एटसेट्रा मिलने के अधिकार होंगे या नहीं, ठीक है। इट इज एन एडिशनल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस दैट इफ एनी वुमेन और एनी स्पाउस, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों की बात हो रही है, इफ द मैरिज बिटवीन द बोथ इज वॉइड बाय रीजन इट इज फॉलिंग अंडर सेक्शन 11, सेक्शन 11, देन इज सच स्पाउस इज एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ और नॉट, ये सवाल है। इसका जवाब मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि हमारे पास मेंटेनेंस क्लेम करने के तीन रास्ते हैं, मेंटेनेंस क्लेम करने के तीन रास्ते, कौन कौन से तीन रास्ते हैं। नंबर वन इज, एक तो आपका सेक्शन नंबर
24 एंड 25 हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा है हमारे पास सेक्शन नंबर 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, और तीसरा है सेक्शन नंबर 125 सीआरपी। ठीक है, अभी हम सिर्फ बात करेंगे इसकी, 24 एंड 25 एचएमए की, इन दोनों की बात अभी हम डिस्कस नहीं करते। सेक्शन 24 और 25 को जब आप पढ़ो तो यू विल गेट टू नो वहां पे क्या लिखा हो। वहां पे ये लिखा है दैट इफ एनी डिक्री इज पास्ड अंडर दिस लॉ, अंडर दिस एक्ट, एनी डिक्री, एनी डिक्री, एक बार मैं पढ़ के आपको दिखाई देता हूं, बेरेक्ट आप लोग निकालिए, सेक्शन नंबर 25 निकालिए। लुक, सेक्शन 25 क्या कह रहा है, हम सिर्फ ऊपर की चार लाइनें पढ़ने वाले हैं, दैट एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर दिस एक्ट मे एट एनी टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री और एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट देयर टू एन एप्लीकेशन मेड टू इट फॉर द पर्पस इधर बाय वाइफ और बाय हस्बैंड एज द केस मे बी, ऑर्डर दैट द रिस्पोंडेंट शिल पे टू द एप्लीकेंट फॉर हर और हिज मेंटेनेंस एंड सपोर्ट सच ग्रॉस सम और मंथली और पीरियडिकली सम पर पीरियड नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ द एप्लीकेंट, इतना ही पढ़ना। और यहां से जो एक फ्रेज हमने निकाला दैट इज एनी डिक्री, एंड एनी डिक्री इंक्लूड्स डिक्री ऑफ डाइवोर्स, इट इंक्लूड्स द डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन, इट इंक्लूड्स द डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इट इंक्लूड्स द डिक्री ऑफ नलिटी ऑल्सो। और अगर आप कोर्ट से डिक्री ऑफ नलिटी ले लेते हो तो कोर्ट के पास सेक्शन 25 के अकॉर्डिंगली ये राइट है कि वो स्पाउस जो भी एप्लीकेंट है उससे मेंटेनेंस अलाउ कर सकते। ठीक है, एनी डिक्री में डिग्री ऑफ नलिटी भी आता है, और ये इसके लिए मैं एक जजमेंट आपको और दे रहा हूं, यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द जजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रमेश चंद्र राम प्रताप, इसी के साथ आएगा, रमेश चंद्र राम प्रताप जी जे आई दागा DAGA वर्सेस रामेश्वरी दागा, रमेश चंद्र राम प्रताप जी दागा वर्सेस रामेश्वरी दागा, इट इज 2005 सुप्रीम कोर्ट। Giving you the point which was being given in this case, लिखते जाइएगा, it was held that section 25, it was held that comma section maintenance, section 25 in reference to the maintenance, section 25 in reference to the maintenance uses the words inverted comma में लिखेगा any degree and similarly section 24 में maintenance during the pendency of proceedings की बात है कि जब प्रोसीडिंग्स कोर्ट में चल रही है उस दौरान अगर मेंटेनेंस लेना हो तो वहां पे भी ना एनी प्रोसीडिंग वर्ड लिखा हुआ, एनी प्रोसीडिंग लिखते जाएगा। सिमिलरली इन सेक्शन 24 इट यूजेस द वर्ड्स एनी प्रोसीडिंग, दस इट इंक्लूड्स द प्रोसीडिंग्स, it includes the proceedings for the voidness of the marriage, it includes the proceedings for the voidness of the marriage, and hence the decree of nullity
and hence the degree of nullity under section 11, degree of nullity under section 11 and the degree for, इसको मैंने अभी डिस्कस करना है आपके साथ, जो भी लिखवाना, एंड डिग्री फॉर एनलमेंट, डिग्री फॉर द एनलमेंट, ANULLMENT, डिग्री फॉर एनलमेंट ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 12, ये वॉइडेबल मैरिजेस के लिए यूज करेंगे हम, ठीक है, डिग्री फॉर द एनलमेंट ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 12, इफ पास्ड बाय द कोर्ट, decree for annulment if passed by the court, then the court is entitled to grant maintenance, the court is entitled to grant maintenance to the concerned applicant, court is entitled to grant maintenance to the concerned applicant. और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 24 या 25 की जो प्रोसीडिंग्स होती है इसमें मेंटेनेंस हस्बैंड को भी मिल सकता है और वाइफ को भी मिल सकता है, ठीक है. तो मैरिज की जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो मेंटेनेंस है वो वाइफ और हस्बैंड में से दोनों क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो मेंटेनेंस सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का है या सेक्शन 125 CRPC का है वो सिर्फ वाइफ के लिए, वो हस्बैंड के लिए नहीं है. तो हस्बैंड को अगर मेंटेनेंस लेना है तो 24-25 के अंदर क्लेम कर सकता है, ठीक है. चलिए, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन टुडेज क्लास कि वॉइड मैरिजेस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है. इसके बाद कल मैं आप लोगों को वॉइडेबल में लेके जाऊंगा, इट इज एन एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट, तो कोशिश करूंगा इसको हम कल ही कंक्लूड करें और कल ही स्टार्ट करें, क्योंकि सेक्शन नंबर 5 का क्लॉज नंबर 2 सेक्शन नंबर 12 के साथ कल डिस्कस करना है. प्लस कोशिश करिएगा अगर आप कल इंडियन एविडेंस एक्ट साथ में लेके बैठे तो इट विल बी बेटर फॉर मी टू इलैबोरेट द प्रोविजन, ठीक है. आज के लिए इट इज सफिशिएंट, कल इसको करते हैं वॉइडेबल मैरिजेस का क्या कॉन्सेप्ट. चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो थैंक यू सो मच.